उजड़े से ख्वाब की ताबीर हूँ, टूटे अल्फाज की तहरीर हूँ। बेटा ये सब बातें छोड़ो, मुझे ये बताओ किसी मुश्किल में तो नहीं है, कुछ पता चला उसका? अंकल वो पिछले 3 माह से दुबई में। और बेटा और क्या मुझे बताओ? उसने वहां पे शादी भी कर ली है। शादी कर ली? यार क्या कह रही है मैं तो क्या मैं गलत कह रही हूँ? मैंने आपको रोका नहीं था कि आप मेरे पीछे मत आइएगा। मेरी जिंदगी में पहली मुश्किलें कम थी जो आप भी यहाँ पहुंच गए। तुम यहाँ रहोगे तो मेरा भी दिल लगा रहेगा, बल्कि यूं समझो कि मैं तुम्हें लाए ही इस लालच में हूं। ये मेरी अपनी खुदगर्जी है, तुम यहां रहोगे तो मेरा दिल भी लगा रहेगा। आप बिल्कुल मेरे डैड की तरह बातें करते हैं। खिरद, तुम इस घर पर अजाब बनकर आई हो, अजाब। ठीक है, मैं अजाब हूं ना, यहां से चली जा। हाँ, बाबा के जाने के बाद जिस तरह मुझे उसका ख्याल रखना चाहिए था मैंने नहीं रखा। घर की चाबियां देकर मैं समझा मैंने अपने भाई होने का फर्ज पूरा कर दिया। तुमने भी तो गलत किया ना उस्मान, तुम्हें पता भी है कि साहिर यहाँ नहीं। क्या साहिर कहाँ नहीं है? अब वो मेरा मतलब है साहिर भी तो सारा दिन ऑफिस में होता है ना। नहीं नहीं, तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। मुझे सच बताओ क्या बात है? वो साहिर घर छोड़कर चला गया। क्यों, कब, कहां? अब उस्मान मैं खुद नहीं जानती, मुझे तो खुद किसी ने नहीं बताया। वो तो अगर मेरी चांदनी भाभी से बात नहीं होती तो शायद मुझे पता भी नहीं चलता। मुझे फोन लाके दो, मैं मामू जान से खुद बात करूंगा। उस्मान तुम रहने दो, मियां बीवी की लड़ाई में बाबा का क्या कसूर? मामू जान अपनी जिम्मेदारी पे खिरत को ब्याह कर ले गए थे तो जवाब दे भी वही होंगे। उस्मान, उस्मान बात तो सुनो। उस्मान, कहाँ जाओगी तुम? अपने घर वापस ना? अपना घर तो तुमसे बस नहीं सका, अब मेरी बेटी का घर भी बर्बाद करोगी जाके वहां। स्वान प्लीज। अलीना प्लीज मुझे मत रोको, मुझे मामू जान से बात कर लेने दो। इतनी बड़ी बात हो गई, उन्होंने मुझसे छुपाया है। वो तो खुद साहिर से बहुत नाराज हैं। वो खुद ये सब कुछ नहीं चाहते थे उस्मान। क्या मतलब? तुम बैठो, मैं समझाती हूँ, बैठो। अच्छा बताओ क्या? वो असल में जब खिरत का अबॉर्शन हुआ था तो
साहिर ने उसका बहुत ख्याल रखा था और उसके बाद उनका कोई झगड़ा भी नहीं हुआ। लेकिन खैरत ने अपनी उस हालत का जिम्मेदार साहिर को ठहराया, जिसके बाद उनका इस बात पे बहुत झगड़ा हुआ और बाबा ने साहिर को मारकर घर से निकाल दिया। तो इसका मतलब ये है कि मैं मामू जान से बात नहीं करूं। देखो उस्मान, बाबा जान बहुत बीमार रहने लगे, खिरत से भी बहुत शर्मिंदा हैं कि साहिर उनकी वजह से घर छोड़कर चला गया। अब ऐसे में तुम उनसे ये बात करोगे और एहसास दिलाओगे तो वो और बीमार हो जाएंगे। प्लीज तुम उनसे इस बारे में कोई ऐसी बात नहीं करो। हम ऐसा करते हैं कि खिरत को कुछ दिनों के लिए यहाँ बुला लेते हैं। ठीक है, मैं मामू जान से बात नहीं करूंगा। लेकिन खिरत को लेने मैं खुद जाऊंगा। ठीक है, जैसा तुम चाहोगे वैसा ही हो। अभी तक गई नहीं? तुम तो बड़े उससे कह रही थी कि इस घर में मैं भाई एक मिनट नहीं रहूंगी, चली जाऊंगी। इस घर के अलावा तुम्हें कहीं पनाह नहीं मिलेगी। अगर किसी खुशफहमी में हो ना तो उससे निकल आओ। मैंने फैसला किया है कि मैं अब इस घर से कहीं नहीं जाऊंगी, क्योंकि मैंने ये जान लिया है कि जितनी तकलीफ आपको मुझे यहाँ देखकर होती है ना, मेरे जाने के बाद नहीं होगी। और मैं भी ये नहीं चाहती कि आपको सुकून मिले। बदतमीज बेगैरत, मुझे जलाएगी, मुझे? मैं खुद तुमको इस घर से धक्के देके निकालूंगी। समझती क्या है तू अपने आप? उसे कहीं नहीं जाऊंगी जब तक साहिर नहीं आ जाते। जब तक तुम और तुम्हारी नहुसत इस घर में है, वो इस घर में कदम नहीं रखेगा। और मैं तुम्हें इस घर में रहने नहीं दूंगी, समझी तुम? जब तक तुम और तुम्हारी नहुसत इस घर में है, वो इस घर में कदम नहीं रखेगा। और मैं तुम्हें इस घर में रहने नहीं दूंगी। अरे खिरत, वो मेहमान के लिए खाना निकाल दो और शफीक साहब आप खाना ले जाइए कमरे। कैसी बात कर रही हैं आप? अब वो इस घर का फर्द है, खाना हमारे साथ खाएगा, मैं उसको बुला के लाता हूँ। अरे क्या कर रहे हैं आप? वो लड़का हमें क्या पता कहाँ से आया है, कौन है, है? पहले ही दिन आके उसको खाने की मेज पे अपने साथ बिठा लेंगे। भाई कमाल करती हैं आप, शरीफ घर का बच्चा है और इतने मान से उसको लाके घर बिठाया है। क्या चाहती हैं? पहले दिन ही इसको मैं अपने साथ खाना ना खिला के अजनबियत का रंग भर दूं? शफीक साहब, ये बात बिल्कुल मुनासिब नहीं है। अरे हमारे घर में बहु बेटियां हैं, एक अजनबी को खाने की मेज पे उनके साथ बिठा के खाना खिलाना कहाँ की इंसानियत है, कहाँ की शराफत है? जी, मामी जान ठीक कह रही। अच्छा ठीक है भैया, आप खाना निकालिए, मैं उसके साथ बैठ के खा लूंगा। लेकिन मामू जान। खिरत, तुम जाओ खाना निकालो। जी।
यही बात जब मैं कह रही थी तो आपकी समझ में नहीं आ रहा। बात को कहने का कुछ सलीका होता है जो आपने आज तक नहीं सीखा। चलिए आइए बैठिए, खाना खाइए। झगड़े हो गया इस उम्र में बात करने का सलीका मैं आपसे सीखूंगी। खैर बेटा सो रहे थे आप? अरे नहीं अंकल, आया है, आपने क्यों तकलीफ? अरे मैंने सोचा तुम्हें भूख लगी होगी तो खाना ले आया। नहीं अंकल, आज शाम को ऑफिस में खाना खा लिया था, लेकिन आपने इतनी तकलीफ क्यों की? इसमें तकलीफ की कौन सी बात है, चलो मेरा साथ देने के लिए खा लो। मुझे दरअसल भूख लग रही थी, सुबह के बाद मैंने कुछ खाया नहीं तो सोचा खाना खा लूं। ये खिरद जो है ना, ये इतने मजे का खाना बनाती है कि एक दफा शुरू करो तो हाथ रुकते ही नहीं। अच्छे खाने का तो मैं भी शौकीन हूं, भूख ना भी हो तो भी खा लेता हूं। तो चलो फिर शुरू करो, बिस्मिल्ला करो। आप चले ओके। ये कौन सी दाल है भाई, इसे क्या बनाया आज? अरहर की है कि मूंग की है? तो खाओ। क्या बात है शफीक साहब, ऐसे क्यों बैठे? आपने खिरद पे हाथ उठाया है, अच्छा नहीं थी। वो इसी काबिल थी। ये आप कैसे कह सकती हैं कि वो इस काबिल थी या नहीं थी? इसका फैसला आप कौन होती हैं करने वाली? शफीक साहब, जिस लड़की की वजह से हमारा बेटा घर छोड़ के चला गया उसके साथ तो और भी बुरा सलूक होना चाहिए। साहिर खिरद की वजह से नहीं, मेरे वजह से घर छोड़ के गया है, मुझे इस बात का एहसास है। और आपने उसी लड़की की वजह से अपने बेटे को घर से निकाला है ना? मैं आप सबका मुजरिम हूं और अपनी हार तस्लीम करता हूं। मैंने यकीनन बहुत गलत किया। क्या बात है शफीक साहब, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? साहिर को पता चल गया है, वो दुबई में है। अपनी दूसरी बीवी के साथ। किस मुकाम पे टूटा हूं तबस्सुम साहिबा, खुदा जाने औलाद अपने मां बाप को मुजरिम क्यों समझती है? मेरा जुर्म इतना बड़ा तो नहीं था कि उसकी इतनी बड़ी सजा मिले मुझको। अगर उसको मुझसे कोई शिकायत थी तो आके बात तो करता, इस तरह सब छोड़ छाड़ के चले जाने की क्या जरूरत थी? लेकिन ये पता नहीं चला कि साहिर ने शादी किससे की है। अब इससे क्या फर्क पड़ता है कि उसने किससे शादी की, फर्क तो सिर्फ इससे पड़ता है कि उसने खिरद की जिंदगी तबाह कर दी।
अगर उसको मेरे किसी फैसले से इख्तिलाफ था तो उसकी सजा वो मुझे देता, खिरत को क्यों दी? उस बच्ची को मैं क्या मुंह दिखाऊंगा? शफीक साहब, ये भी तो हो सकता है कि ये खबर झूठी हो। चलिए दुआ कीजिए कि सब झूठ हो। वरना मेरी जिंदगी मुझ पर बहुत मुश्किल हो जाएगी। अब आप कहाँ जा रहे हैं? वो ऐसी जगह ढूंढने जहां इस जुल्म के बाद मैं जाकर अपनी पेशमानी को कम कर सकूं। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपने कुछ नहीं किया। काश मैं आपके इन बहलावों से अब बहल सकता। आपकी तसल्लियां मेरे किसी काम की नहीं है। मुझे मत रोकिए। खुदा गारत करे उसे जिसने हमें इस नई मुसीबत में डाल दिया। सत्यानाश हो उसका। दिल लग गया बेटा? जी दादा। डिनर किया? पेट भर के खाना खाया ना? उफ दादा, तो खाने की बात ही नहीं कर रहे। आज इतने सालों बाद मॉम जैसे खाने मिला है मुझे। भूख ना होने के बावजूद इतना डिलीशियस खाना था कि मैं दो प्लेट खा चुका। ओह, अरे वाह, इसका मतलब ये हुआ कि हमारी होने वाली बहू के हाथ में बहुत जायका है। पता नहीं डैड, वाकई ऐसे है या मुझे इसलिए लजीज लगा क्योंकि उसने बनाया। ये बताओ कि तुम कब तक बात करोगे खिरत से? हाँ जी, तो आए हूँ डैड, और मैं इन लोगों का मिजाज भी नहीं जानता, और वैसे भी मैं उसके लिए कोई मुश्किलात नहीं खड़ी करना चाहता। ओह, मैं भी ये समझता हूँ, लेकिन बेटा मैं क्या करूँ, बहुत मिस करता हूँ। एक ही शहर में हम दोनों रह रहे हैं लेकिन इतना दूर। मेरी बात ये समझ में नहीं आ रही है बेटा। डैड, मुझे भेजने वाले भी तो आप ही थे ना, वरना मैं कहाँ आना चाह रहा था। बेटा मेरी फिक्र मत करो, बस जल्द अज जल्द मेरी होने वाली बहू से बात करो, उसका दिल जीतो ताकि मैं उसे यहाँ ले आऊं और उसके हाथ का मजे मजे का खाना खाऊं। अलीना के पास तो यही एक तुरप का पत्ता है जो एन किसी वक्त के ऊपर वो खेलेगी, और इसी पत्ते को वो खेलकर अपना काम निकालेगी, तुम देखना। अरे वाह खाला जान, आप तो बड़े शतरंज के दाव खेलने लगी। तो बस फिर बेफिकर हो जाए, हम अपने प्लान के मुताबिक खिरत को इस घर से बड़े शान और शौकत से धक्के मार के निकालेंगे। अरे भाई, मैं किस किस की ज्यादती का एहसास करती। इधर साहिर को ये गम है कि उसके साथ ज्यादती हुई है। भाई मैं तो तुम दोनों के बीच में पिस के रह गई। फिर भी अम्मी, अगर साहिर ने दूसरी शादी कर ही लेती तो कम से कम पाकिस्तान में तो रहता। यूं छुपकर बिना बताए जाने की क्या जरूरत थी? अब उसकी गलती की सजा हम ही सब भुगतेंगे ना। होश में आइए, होश में आइए शफीक। जाओ बेटे जल्दी से डॉक्टर। खालूजान, खालूजान, ये खालूजान को अचानक क्या हो गया? खालूजान, खालूजान। टूटे अल्फाज की तहरीर।
रिश्तों की जंजीरों से मैं हार गई, मैं हार गई। दर्दा